पतंग के किस तरह का किरदार होने वाला है आज, ट्रेनिंग है, कितने एक्साइटेड, कितने नर्वस है? इतने सारे सवाल एक साथ किस तरह के बारे में स्क्रीनिंग है, बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैंने देखी हुई है फिल्म पहले, सो आई एम श्योर सबको बहुत ही अच्छी लगने वाली है फिल्म। हॉटस्टार पे रिलीज़ हो गई है ऑलरेडी, आप लोगों को तो बहुत ही अच्छी लगी, क्रिकेट पे है, फ्रेंडशिप पे है, लव स्टोरी है, जो भी आप सबको पसंद है सब कुछ है एक ही फिल्म में। नहीं, बड़ी बड़ी अच्छी ऑनेस्ट फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बार बार देख सकते हैं। आई होप आप सबको बहुत पसंद आई फिल्म। किरदार के बारे में कुछ बताइए। जी, तो मेरा किरदार है परवेज़ का, ये कश्मीरी किरदार है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक लड़की से प्यार करता है, बट उस लड़की को कभी बोल नहीं पाया कि उसे वो प्यार करता है, तो यही किरदार आपको। आप और आपको अगर और जानना तो वो देखना पड़ेगी फिल्म। लोग फिल्म देख रहे हो ना आज? फिल्म देखने के बाद आप डिसाइड करना। मैं हूँ स्नोअर, कश्मीरी लड़की है, पहली बार कश्मीरी किरदार प्ले कर रही हूँ, वेरी एक्साइटेड बिकॉज पहली बार एक्चुअली बुरखे में नजर आऊंगी मैं, आई ऑलवेज वांटेड टू समथिंग एग्जॉटिक, सो आई फील आई यू नो आई फाइनली डन दैट। इनकी खूबसूरत आंखें दिखेंगी आपको, आंखें दिखेंगी। सो जो परवेज है उनकी और स्नोअर की लव स्टोरी है, तो मैं इनकी कहानी का, इनकी बड़ी सी कहानी का, जहाँ पे शिविन है, अली है, चंदन है, हार्दिक है, इनकी कहानी का एक हिस्सा, आई एम द लव स्टोरी इन द फिल्म। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म इन द सेंस, जो लव स्टोरी है वो मेरी फेवरेट है, नॉट बिकॉज मैं उसमें हूँ, बिकॉज इट्स शॉट सो ब्यूटीफुली, गाने बहुत अच्छे हैं उसमें, ऑफकोर्स गानों के बगैर तो लव स्टोरी बनती नहीं। ये वाकई में बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, बड़ी अच्छी तरह शूट करा गया है कश्मीर के सेक्शन को, पूरी फिल्म को बड़े ही प्यार से बनाया है फिल्म को, तो आई होप आप सब लोगों को पसंद आए फिल्म। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ, गिर जाऊँगा किसी वक्त भी। बहुत एक्साइटेड हूँ एंड एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि जब फिल्म रिलीज़ होने से पहले ना, यू हैव द नर्वसनेस, यू डोंट नो कि लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। ये एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में हम शौक के लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि इट्स अ फील गुड फिल्म, लाइक ये जो फिल्म आप देख के जब बाहर निकलोगे ना, यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, इट्स वेरी एक्साइटिंग। आई थिंक लाइफ, दैट्स इट। जी देखिए, कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जी जी जी, जी जी बिल्कुल, बाकायदा जो हमारे प्रोडक्शन डायरेक्शन टीम है, ये इन्हें एक कश्मीरी कोच हायर किया था, तो मुझे कश्मीरी एक्सेंट सीखना पड़ा फिल्म के लिए। एंड ही डन अ ब्यूटीफुल जॉब, आप जब मतलब ये जब बात करें ना उर्दू में, ये एक्चुअली साउंड्स लाइक शायरी एंड ऑल ऑफ दैट इन्होंने कही हुई है, बहुत अच्छा लगा सुनने में। तो काफ़ी रिसर्च करी हमने, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने पहले हमने काम किया फिल्म पे, तो रिसर्च बहुत हुई है फिल्म पे, तो होपफुली आपको वो फिल्म में दिखेगी। थैंक यू, थैंक यू। जी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, और हैप्पी होली एंड या बी सेफ, प्ले सेफ, रास्ते में बहुत डॉग्स होते हैं, हमारे कैट्स होते हैं, प्लीज डोंट पुट कलर्स ऑन देम, उनको अच्छा नहीं लगता है, एंड जस्ट बी केयरफुल विद योर एनिमल फ्रेंड्स बिकॉज उनको पता भी नहीं है कुछ, एंड पीपल थ्रो कलर्स, इट्स नॉट नाइस, बी अवेयर विद या एंड ट्राई एंड यूज एनवायरमेंटली फ्रेंडली कलर्स। ओके, थैंक यू, थैंक यू। करना क्या? सो सर, सबसे पहले हम लोग ने स्टार्टअप से तो जान लिया, आपसे जानना चाहेंगे सर कैसा एक्सपीरियंस रहा, और पूरे एनसेंबल कास्ट है कैसा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ? अगर इनका अच्छा था तो मेरा भी अच्छा ही था एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन अस द क्वेश्चन। हां, वो इनको समझ में आ गया, बताइए आप कैसा रहा एक्सपीरियंस। इट वाज एन एक्सपीरियंस, जस्ट लाइक फर्स्ट फिल्म है तो ऑब्वियसली नर्वसनेस, एंग्जाइटी, वो सब तो रहना ही है, बट इस लाइक करते जाओ होते जाता। तो आपने फर्स्ट टाइम डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस कास्ट के एक्टर्स आपके साथ काम किए, तो कितना आपने उनको मतलब उन्होंने आपको बताया, आपने कितना नहीं, सब लोग सेम पेज पे थे तो सीनियरिटी और वो सब की तो चीज़ थी नहीं। मैम आप बताइए, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वाज ग्रेट इन द सेंस, ऑनेस्टली जो मुझे मेरे कैरेक्टर के बारे में जितना भी मालूम था, जितना भी मैंने किया, आई विल गिव ऑल द क्रेडिट टू हिम। जितने शांत हैं अभी दिख रहे हैं उतने शांत वो सेट पे है नहीं, ही नोज़ वॉट ही वॉन्ट्स एंड ही नोज हाउ टू गेट इट ऑल्सो आउट ऑफ हिज एक्टर्स, विच इज़ ग्रेट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वालिटी फॉर अ डायरेक्टर। सो आई मीन आई गिव हिम ऑल द क्रेडिट, जैसे आपको फिल्म दिखेगी अभी
you know, the way the beauty of everything, every frame, to the actors performing, I think every single thing, all the credit goes to him. डेब्यू है तो एक अच्छी कहानी चुनना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एंड रवि ने बखूबी वो किया है कि जिसमें हर प्रकार के शेड्स हैं. आप एक लव स्टोरी भी देखेंगे, एक अलग प्रकार का स्लाइस ऑफ लाइफ भी देखेंगे एंड जिस हिसाब से लोकेशन शूट किए हैं, एक डेब्यू के लिए इस प्रकार की स्टोरी लेना चैलेंजिंग तो होता ही है. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि पूरे मेहनत से बनाई है एंड आई एम श्योर आप सबको पसंद आएगी जैसे हमको पसंद आई इसको बनाने में. या सेंटर ये कही है पूछिए. ओके हाय सर, सबसे पहले तो यू नो ट्रीटमेंट फैकल्टी का स्क्रीनिंग है जी. सबसे ज्यादा एक्साइटिंग इस सीरीज में देखने के लिए किस चीज के लिए, फिल्म में देखने के लिए? देखिए, वी आर इन द शो बिज फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 80 इयर्स. मेरे डैडी 1942 से काम कर रहे थे, मैंने 1971 से काम शुरू किया एंड नाउ माय सन ही विल फॉलो द लेगेसी ऑफ द फैमिली. तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं दूल्हा का बाप हूँ और किसी भी बाप के लिए इससे बढ़ के खुशी की बात नहीं हो सकती कि जिस लाइन में उसका बेटा जाना चाहता है या बाप का ताल्लुक जिस लाइन से है, बेटा भी बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है. तो ये एक पहला स्टेपिंग स्टोन है अली का और यकीनन मुझे उम्मीद है ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी फोकस्ड. तो ये यकीनन फैमिली की लेगेसी को ये कायम रखेगा और पहला कदम है इसका. तो मैं यही कहूँगा कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या. अली जी, ये करने से, इस प्रोजेक्ट को करने से पहले क्या वर्ड्स अपने डैड से लिए थे? यू नो, तो इतने बड़े एक्टर्स, एक्टर ऑलरेडी. जी 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 जी, आपकी मतलब है, क्या राय रही इनके लिए, क्या चीज ध्यान में रखने का आपने, और क्या आप प्रेशराइज करते कि आपके फादर इतने बड़े एक्टर है, देखिए जब मैं पहले दिन शूटिंग कर रहा था तो वो प्रेशर तो रहता है. यू नो, यू थिंक अबाउट थिंग्स, आप सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, लोग क्या बोलेंगे सोचते हैं. अगर मैं बोलूँ कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ. सो बट प्रेशर था, बट जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई यू नो प्रेशर चला गया. सो या इट वाज फाइन बाय द एंड ऑफ इट. And coming back to his golden words, just work hard, be true to yourself and just go for it. Yeah. Aur I'm very thankful to Rishi Kapoor. Unhone aaj bahut acha tweet kiya hai Ali ke liye. He had mentioned my father, he had mentioned me as his friend and colleague. Aur Ali ko unhone best wishes diye hain Rishi Kapoor ne. And as you know ke मेरा उनसे बहुत पुराना ताल्लुक रहा है. टू बी प्रिसाइज, पूरा ताल्लुक मेरा कपूर फैमिली से रहा है. मैंने 3 फिल्में मुतवातिर की हैं उनके साथ, तो इट्स लाइक अ फैमिली. सो आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी कि चिंटू ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया. और अली जी, आई एम अप फॉर एनीथिंग. मतलब आप मुझसे नेगेटिव करा लिए या पॉजिटिव करा लिए या यू नो ए प्लस बी प्लस माइनस करवा लिया, आई एम अप फॉर एनीथिंग. आई डोंट रियली हैव दिस इशू के यू नो प्रोटैगनिस्ट है, एंटैगनिस्ट है, वो आई डोंट हैव एनी इशूज विद दैट. इफ द स्क्रिप्ट इज गुड, आई नो इट साउंड्स वेरी क्लीशेड, बट आई विल डू इट, एज सिंपल एज दैट. सर, ये वेब प्लेटफॉर्म तो आप लोगों के जमाने में था नहीं, अब नया प्लेटफॉर्म निकला है, जी लगता है कि एक्टर्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म. नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और ग्लोबली इसकी ऑडियंस है.
मिलियंस में है, करोड़ में है, तो ये एक पैरेलल इंडस्ट्री खुल गई है एंड आई थिंक के बोथ द इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू को एग्जिस्ट, फिल्म्स एंड वेब फिल्म्स, ये बिल्कुल एक साथ चलेंगी। सो चलना भी चाहिए, एक तब्दीली आना चाहिए एंड देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट इफ़ यू कांट विन देम जॉइन देम, अगर आप उन्हें जीत नहीं सकते तो उनके साथ हो जाइए। हम ये काम करेंगे, हम वी फाइटिंग ईच अदर, नो नॉट रियली, आई बी वेरी नर्वस वर्किंग विथ हिम, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। देखिए ऐसा हुआ है कि ये मुझे अलाउ नहीं करता था कि मैं शूटिंग देखने आऊँ, क्योंकि ये कहता था डैडी आपको देखूंगा तो मैं डायलॉग भूल जाऊंगा। ऐसी भारी पर्सनालिटी आएगी तो आप डायलॉग नहीं भूलेंगे, यही बात शाहिद कपूर ने भी कही थी अपने डैड के बारे में कि एक बार वो शूटिंग कर रहे थे और डैड उनकी शूटिंग देखने के लिए आए तो वो डायलॉग भूल गए, तो वो स्वाभाविक है, नेचुरल है, बट इसको बहुत गट्स कल्टिवेट करने होंगे मेरा सामना करने के लिए। बस यही कहूँगा आप सबसे कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर के तकरीबन 80 साल हो गए मुराद फैमिली को फिल्म इंडस्ट्री में, बस मैं यही कहूँगा जितने भी मेरे दर्शक हैं कि बस अली को वेलकम कीजिए, इसने बड़ी मेहनत की है, इसकी हिम्मत को सराहिए, इसकी पीठ थपथपाइए और इसकी हौसला अफजाई कीजिए, यही कहूँगा। सर जाते जाते होली आ रही है, कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे आप होली को विशेष? होली जो है वो रंग है, होली में भांग है, होली में मस्ती है, होली में हंसी मजाक है और होली में जैसा कि कहा जाता है कि जब दुश्मन भी एक दूसरे से गले मिलते हैं तो वो दोस्त हो जाते हैं। होली मैं हमेशा बहुत इन्जॉय करता हूं और क्योंकि आरके में बड़ी अच्छी होली होती थी तो वो हमेशा मुझे याद आती है, तो मैं अपने तमाम देशवासियों को होली त्यौहार की, जो कि प्यार का त्यौहार है, जो कि मोहब्बत का त्यौहार है, जो कि भाईचारगी का त्यौहार है, जो कि अपने रंग में रंग जाने का त्यौहार है, मैं तमाम देशवासियों को होली की मुबारकबाद देता हूं और मैं ये कहता हूं कि ये आने वाली होली जो है ये आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, आप सदा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। हैप्पी होली टू एवरीवन, हैप्पी होली, थैंक यू, थैंक यू। विशु जी और मैं एक बात नहीं, मैं एक बाइट नहीं है, बाइट नहीं, मैं एक बात कहना भूल गया था, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। एक बात मैं कहना भूल गया, आई वुड लाइक टू, देखिए मैं ये चाहता था कि अली बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारे, मैंने गौतम अधिकारी जी के पास इसे असिस्टेंट रखा, ये बस से जाता था, ये वर्कर्स के साथ बाकायदा बहुत हार्ड वर्क करता था जैसे एक असिस्टेंट करता है, उन्हीं के साथ खाना खाता था, उन्हीं के, ये चाहता तो मेरी गाड़ी में भी जा सकता था लेकिन मैंने कभी इसको गाड़ी दी नहीं, कि एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारो, आम इंसान की ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ें होती हैं, आम इंसान जो है किन किन मुश्किलात से गुजरता है, ये तुम्हें आना चाहिए तभी तुम्हें पता चलेगा कि आम जिंदगी क्या होती है, आम इंसान किस तरीके से जीता है। एंड आई टोल्ड एवरीबडी कि इसके साथ कुछ फेवर ना किया जाए जिस तरीके से और तमाम वर्कर्स को ट्रीट किया जाता है, नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर हिम, तो मैंने पहले से ही इसको कमांडो ट्रेनिंग दे रखी है, ये 18-18 घंटे शूटिंग करता था, रात रात भर शूटिंग करता था और बस से आता जाता था, बस यही कहना चाहता हूँ।
घिसे पिटे क्वेश्चन पूछोगे घिसे पिटे आंसर मिलेंगे राइट हु इज गोइंग टू आस्क नॉट डिसाइडेड डाल दो इसके ऊपर और पांच छह और डाल दो ये डायरेक्टर है इसका बाप मेरा लगते जिगर था आज वो है नहीं तो आई एम रिप्रेजेंटिंग हिज फादर आई एम लाइक अ फादर टू हिम एंड आई वांट टू सी दैट दिस फेलो सक्सीड्स बिकॉज ही इज़ अ वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट और भगवान ने चाहा इसके बाप ने जो मेरी और एकता की मदद की थी उसी तरह ऊपर बैठ के वो देख रहा है इसको वो भी इसकी बहुत हेल्प करेगा इसका फादर दो He is not here in physical presence. I'm sure he must be wishing him all the best. Thank you. बहुत बड़ी बात है ये, you know, as a father representing. Yeah. And it is the truth. His father and his father, they played a very big role in Ekta's life when she was making Balaji telefilms. They both contributed a lot. So we are all very grateful, but we are like a family. We love each other. And we wish each other all the best. He is Markand's son and he is Gautam's son. Gautam and Markand were both like younger brothers to me. Also, एक और खास बात ये है वो है रजा मुराद जी के बेटे भी इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रहे हैं. Of course. रजा is a good friend of mine and I'm very happy. He's बहुत important role है उसका. अरे very good. So that boy is also taking off. हाँ मैंने तो फिल्में की कहाँ हैं लास्ट 25 साल में कोई फिल्म की नहीं है आई एम अ जॉबलेस एक्टर फॉर लास्ट 22 ईयर्स जो बस आप लोग वो रिपीट में देखते रहिए मैं मेरा काम चलता रहेगा सर काफ़ी सारी मूवी आ रही है अभी भी की मूवी और आपके जनरेशन की मूवी कितना कंपटीशन है क्या देखते हैं आप कितना चेंजेस आ रहा है अब ये इंटरव्यू के लिए तो बहुत आराम से बैठना पड़ेगा घर पे आना मैं आपको पूरा इंटरव्यू दूंगा मेरे ज़माने में कुछ भी नहीं था मेरे ज़माने में ऐड भी नहीं होती थी अभी तो सब लोगों की मेन कमाई ऐड से होती है हमको तो सुबह सुबह से रात तक घिसना पड़ता था तब जाके थिंग्स हैव चेंज बट दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी चेंजेस अरे सब 50 के ऊपर है और अभी तक टॉप फॉर्म में भाग रहे हैं और क्या चाहिए इतनी लाइफ हो गई एक्टरों की दे आर डूइंग सो वेल ऑल ऑफ देम एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी वेल डिसिप्लिन एंड दे आर कीपिंग देमसेल्फ वेरी फिट सर आपका क्या ख्याल है फेवरेट एक्टर हाँ हाँ मैं कहाँ नजर आने वाला हूँ मैं तो बस पैकअप हो गया मेरा एज फार एज फिल्म का कंसर्ट नहीं 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 वो तो एक दिन डिसाइड किया दुकान बंद की बस छोड़ दिया नहीं अभी क्या अब जो करना जितना उखाड़ना था उखाड़ लिया और कुछ नहीं रहा बस बस वो मैं भी देखता हूँ आप भी देखो क्या कह सकता हूँ आप बताइए मुझे क्या कहना चाहिए मैं आपका ही क्वेश्चन आपको पूछता हूँ आप भी देखिए रिमिक्स करना रिमिक्स करिए नहीं करना मत करिए खत्म हो गई बात चलिए हो गया नहीं जरा इधर अभी अभी इनको इनको पकड़ो भी हाँ बोलो कुछ And that's an honor. It's like it's always been like that to us. नहीं नहीं ये आज के अलग बच्चे बहुत संभले हुए हैं दे आर वेरी बैलेंस्ड दे नो वॉट दे आर टॉकिंग दे नो वॉट दे आर डूइंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम इन फुल फॉर्म जय माता दी ही इज द बडिंग एक्टर
मैं सबसे पहले बताऊँ, मैं आते ही भी नर्वस हो गया हूँ, सर खड़े हैं साथ में, बट आई एम सो हैप्पी कि सर इज़ हियर एंड हमारी एक अपनी ब्लेसिंग्स देने सर आए हैं यहाँ पर. रवि है, अब अभी ये नर्वस है. हाँ, अभी मैं दो साल के बाद हेलो भी बोलेगा कि नहीं मालूम नहीं. मालिक के इतना पॉपुलर हो जाए कि हेलो भी ना बोले, चलेगा. पॉपुलर होना चाहिए, है कि नहीं? बारिश शूट करने के बाद यहाँ मिल रहे वापस. हाय वो आया इधर ये एक कलाकार यही है. मेन कलाकार बोलो कुछ भी अपने बच्चों के लिए. आपके सामने क्या बोल सकते हैं बाबू जी, लाइफ में सीखा आपसे, आपसे क्या बोले. चलिए, थैंक यू बाय. कब होली है जो खेलेंगे होली खेलेंगे, गिली खेलें या सुक्की खेलें, पर खेलेंगे जरूर. कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू. जय माता दी. जी, बहुत एक्साइटेड है ये मूवी के लिए. ये मूवी बहुत ही एक स्पेशल मूवी है, बहुत ही दिल से बनाई गई है. जो इसका बैकड्रॉप है वो 80s का है, और जैसे कि आपने जो ट्रेलर देखा होगा वो 80s में जो सबसे बड़ा इवेंट था 83 जो हमारा वर्ल्ड कप था उसके अराउंड रिवॉल्व करती है. और ये चार दोस्तों की कहानी है. मेरे कैरेक्टर का नाम है मैडी. वो ज़िंदगी को ऐसे जीता है जैसे वो ज़िंदगी का आखिरी दिन हो. बहुत खुश रहता है, बहुत ही फिल्मी है, बहुत मजाकिया है, और एक ऐसा इंसान है जो एक ऐसा दोस्त है जिसको हर इंसान अपनी लाइफ में रखना चाहता है. सो ये रही कैरेक्टर की बात. बाकी मूवी की बात करता हूँ, इट्स ऑन हॉटस्टार. मैं आप सब प्लीज़ देखिए, बहुत ही दिल से बनाई गई मूवी है और मेरी फर्स्ट मूवी है. हमने ऐसा कुछ पहले डिसाइड नहीं किया. पहले हमने मेहनत कर ली और हमने अच्छी चीज़ बना दी, फिर हमने सोचा अच्छा ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एंड साथ में लास्ट के रीसेंट टाइम्स देखते हुए हमने सोचा कि OTT से आजकल बड़ा प्लेटफॉर्म कोई है नहीं. हम सब आज के टाइम पे, हम खुद आज अभी जो रिकॉर्डिंग भी चल रही है वो भी फ़ोन पे चल रही है, तो फ़ोन से बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है, इंटरनेट से बड़ी क्या चीज़ हो सकती है. सो एक बार अगर वो वहाँ पे कोई भी चीज़ आ जाती है तो इट्स फॉर लाइफ. बहुत अच्छे आ रहे हैं. हमने सोचा था कि थोड़ा सरप्राइज़ देंगे सबको, एकदम से ही सारी प्रमोशन एक ही दिन में स्टार्ट करेंगे. बहुत 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 अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं. फॉर मी ऑल्सो एक ऐसा किरदार कर रहा हूँ जो कभी मैंने किया नहीं है. लुक एकदम डिफरेंट है, 80s का लुक है. मेरे बाल आप देखेंगे तो एकदम जैसे अमिताभ सर अपने वो 80s में शोले के टाइम में रखते थे, जो पूरा लुक था वैसे थे. तो एक मेहनत तो काफ़ी करी है. शूट वाइज भी अगर मैं कहूँ तो पूरे इंडिया में बाहर एक्सटेंसिवली शूट किया है इस मूवी के लिए, एंड आई होप कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है एंड आप सब अपनी ब्लेसिंग्स दें. जी जी हाँ, शुरुआत हुई है. शुरुआत काफ़ी अच्छी रही है, चाहे वो टेलीविजन शो हो, रियलिटी शो हो, खतरो गाना हो याद पिया के आने लगी, या फिर अब ये वेब की बहुत एक बड़ी फिल्म हो ढीट पतंग है. तो मैं ये कहना चाहूँगा बहुत खुश हूँ, बहुत लकी हूँ. कहीं ना कहीं कुछ सही चल रहा है, कुछ अच्छे कर रहा हूँ, कोई घर वालों के अच्छे काम हैं जिनका आशीर्वाद मिल रहा है. एंड मेरा तो बस यही है कि आप, आई जस्ट वांट टू गिव माय 100% टू माय ऑडियंस एंड टू माय वर्क. जी देखिए, आज ढीट पतंगे की बात करते हैं, याद पिया की आने लगी कि नेक्स्ट साथ में मिलेंगे और वो डांस स्टेप करके दिखाएंगे, फिर बात करेंगे. हाँ, हमने बल्गेरिया में बहुत 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 मस्ती की है. मैं वही ढूंढ रहा हूँ अभी कि कहाँ हैं सारे, मिलने वाले हैं. ये हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर रवि अधिकारी. क्या गिरा दिया. बस,
देखो सबसे बड़ा स्टंट तो हमारा था जो हमने जैसे ये शूट किया है, हम चंबल में गए थे 52 डिग्रीज में शूट कर रहे थे, वो स्टंट था। हमने गोवा में, कश्मीर में, कहाँ लॉर्ड्स में, कहाँ कहाँ शूटिंग की है इसकी, तो वो ये अपने आप पे एक स्टंट था। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि हमने ये बहुत ही दिल से बनाई गई मूवी हमने जल्दी से रिलीज़ करी एंड बहुत अच्छा जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वो ये बताएंगे। अरे कास्ट बैठते गए लोग, मैंने मेट इसको मिला था, किसी और के लिए मिला था, कोई और कैरेक्टर के लिए मिला था, कहीं और फिट हो गए, सो इट जस्ट हैपेंड ऑन द चोन। मुझे अच्छे से याद है जब मैं रवि से मिला था तो पहले हमारा कुछ मुझे कुछ पता नहीं था स्टोरी के बारे में, लेकिन मैंने बस एक बार स्टोरी सुनी रवि से, मैंने बोला नहीं ये एक मूवी है जो मैं करना चाहता हूँ, और आई एम सो हैप्पी कि हमने ये मूवी बनाई और आज इसका रिलीज़ है। थैंक यू सो मच। हाँ होली आने वाली है, सब होली बनाओ घर पे, होली खेलो, हॉटस्टार पे हमारी मूवी देखो ढीठ पतंगे और मज़े करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई थिंक इट्स ऑलवेज ग्रेट किसी भी अभिनेता के लिए उसका काम सराहा जाए और लोग देखें, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और हॉटस्टार में दिखाया जा रहा है तो आई थिंक बहुत सारे लोग, करोड़ों जनता देखेंगी तो अच्छी बात है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम मेरे जैसे अभिनेता के लिए, मतलब मैं तो काफ़ी दिनों से फिल्मों में काम कर रहा हूँ, लेकिन जो वेब फिल्म्स में या वेब सीरीज़ में जो इस तरह का मुझे किरदार मिल रहा है, जिस तरह का काम मुझे मिल रहा है करने के लिए, इट्स वेरी चैलेंजिंग। आई डोंट थिंक दैट शुड बी द केस, सेंसरशिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी इंटरनेट की जो दुनिया है इट्स फ्री फ्रॉम सेंसरशिप। आई थिंक सेंसरशिप से, क्योंकि जिस तरह से आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो नई जनता है, यंग पॉपुलेशन है, दे डू एंड वॉच एवरी थिंग एंड आई थिंक सेंसरशिप वुड कट देम डाउन। जर्नलिस्ट है, हिज नेम इज़ आनंदो लाहिरी एंड ही इज़ अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एंड द फिल्म इज सेट इन 80s। तो उसका जो सपना है, उसका सपना है कि आप जैसे, जितने भी आप लोग हैं, आप जैसे ही बने, बहुत बड़ा एक जर्नलिस्ट बने, ये उसकी इच्छा है। तो फिल्म में आप देखेंगे पता चलेगा। तैयारियाँ मेरी नहीं, ओरिजिनल तो है, कौन सा, सॉरी, हाँ नहीं ओरिजिनल है, लेकिन क्योंकि मैं किरदार के साथ अपना चरित्र, अपना चेहरा बदलते रहता हूँ, तो ये भी वो एक चेहरा है। और नहीं, मैं मतलब जर्नलिस्ट मेरे कुछ मित्र हैं, अक्सर मैं जब इंटरव्यूज़ देता हूँ, जिन जर्नलिस्ट से बात करता हूँ, पत्रकारों से बात करता हूँ, उनसे कुछ अंश लिया है मैंने और इस फिल्म में ढाया है मैंने। थैंक यू। मतलब आपने फिल्म देखने से पहले ही कह दिया। नहीं, डेफिनेटली जैसा प्रोमो लग रहा है एंड द फिल्म इज़ ऑल्सो सेम वे प्रॉमिसिंग, और जैसे ही रोहित सर की फिल्म से एक्सपेक्टेशन होती है, इट्स गोना बी एग्जैक्टली द सेम। एंड जब सिम्बा सिंघम और
भाले राव एक साथ आ जाते हैं तो आई थिंक सो दैट्स व्हाट द फिल्म इज अबाउट एंड 24th March आई गेस दिस इज द सेकेंड बॉलीवुड फिल्म विच इज़ गोइंग टू बी 24/7 एंड इट्स पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड वी ऑल्सो आर लुकिंग फॉरवर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग था बेसिकली थ्री सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना आई थिंक सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना इनफैक्ट रोहित सर इज़ बेस्ट एट वॉट ही डज एंड वेन इट कम्स टू एक्शन ही इज़ द बेस्ट अमॉन्ग्स द लॉट एंड जस्ट एक्साइटेड टू फॉर द फिल्म टू रिलीज प्रोमो के काफ़ी रिस्पॉन्सेज आए हैं एंड पीपल जिसने भी देखा है मुझे डेफिनेटली मैसेज किया है so I feel that's a big achievement for me that even in 4 frames if agar aapko appreciation milti aapke kaam ke liye to wo aapke liye ek chhoti si achievement hoti and that's what I feel right now to actually the title itself dheet patange jab patang ki baat aati hai patang hawa mein khule aasman mein udti hai aur dekha jaye is film ka subject bhi waise hi hai ki इस फिल्म में सब्जेक्ट भी वैसा ही है कि क्या मन आपका जो मन कहता है वो करो लाइफ में जो आपका पैशन है उसे फॉलो करो एंड दैट्स व्हाट द टाइटल सेज डीट पतंगे तो इट्स अ वेरी फ्रेश फिल्म एंड ऑफकोर्स शिविन बहुत ही अच्छा दोस्त है बहुत ही अच्छा कलाकार है तो मैं उसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए वेट कर रहा हूँ मैं अपने सारे फैंस जो भी मुझे वीडियो में देख रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ सूर्यवंशी जाके ज़रूर देखिएगा और मेरी दूसरी फिल्म है एंड बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखिए और आपकी दुआओं में याद रखिए और मैं अच्छा काम करते रहूँगा थैंक यू सो मच सारे दर्शकों को मैं होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी ज़िंदगी में होली के रंगों की तरह खुशी आती रहे और होली अगर आप खेलते हो तो संभल के खेलिए कहीं बच्चों की आँख में ना जाए और प्ले सेफ एंड बी हैप्पी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड वी आर हियर टू सपोर्ट हिम एंड ऑफकोर्स ट्रेलर भी अच्छा लगा है सो आई थिंक ऑलरेडी हॉटस्टार पे आ गई है बट वी वांट टू एक्सपीरियंस द बिग स्क्रीन सो वी आर हियर एंड काफ़ी नहीं पता हमको फिल्म के बारे में बट वी आर डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ग्रेट लाइक आई एम नॉट ऑब्वियसली नॉट सीन द फिल्म ऑन हॉटस्टार बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड Yeah, I mean they have some amazing cast and of course Ravi is a really really talented filmmaker. So very excited. All the best. All the best. Okay, agar aap serial ki baat hai kaafi kamal macha raha hai to kya kehna chahiye? Aap dono hi kamal macha rahe hai. Ek ek se pyar kar rahe hai, bepana pyar. Thank you, thank you. I think I got a lot of response bepana pyar ke liye bahut hi acha tha and it just got off air.
few days back, and I keep saying this in my social media also, that you know, my fans have given me so much love, and I hope I come back soon with another interesting show. Yeah, exactly. बहुत मज़ा आया. Actually मेरा special appearance size cameo था, but ढाई तीन महीने चला, but बहुत मज़ा आया. And right now I'm gearing up for my next Gujarati film, which Ravi is also part of it, called Hoon, Mari wife and husband. So I'm very excited about that. Happy Holi. And play safe. All my fans, and play safe. Yeah, use good colors. Actually, बचपन में हम लोग लोगों पे गुब्बारे फेंकते थे, but I think अभी ऐसा नहीं करना चाहिए. So actually, I'm very scared to walk out because 3-4 दिन पहले से लोग गुब्बारे फेंकना शुरू कर देते. तो please होली के दिन कीजिए, बाकी दिन मत कीजिए, पूरा मेकअप खराब हो जाता है. Thank you. Thank you. Thank you. Happy Holi. Thank you. सबसे पहले तो मैं रवि को खूब सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी. अधिकारी ब्रदर्स के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है. मैं स्कूल में हुआ करती थी जब मैंने गौतम जी के साथ अपना शो किया था वक्त की रफ्तार. तो आप समझ सकते हैं कि ये करीबन 25 साल पुराना रिश्ता है मेरा इनके साथ. सो आई विश रवि ऑल द वेरी बेस्ट नाउ दैट ही इज़ टेकन आफ्टर गौतम जीज फुटस्टेप्स, एंड आई विश हिम गुड लक एंड लोड्स ऑफ लक. And Deep Patange, all the best. रह चुके हैं नहीं, आई थिंक वो आज भी बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं. और रजा जी के साथ भी मैंने बचपन से काम किया, उन्होंने भी मुझे बचपन से बढ़ते हुए देखा है. तो अभी उनके बेटे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई विश देम. मैं क्या ही बोलूँ, मैं जितना बोलूँगी उतना कम रहेगा, बट ऑल आई से इज हार्टिली आई विश एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट. एब्सोल्युटली, आई एम सो हैप्पी. वो तो आपको रवि से पूछना पड़ेगा. वो रवि से पूछना पड़ेगा. गौतम जी ने तो लिटरली बच्चे की तरह पाला है मुझे, और लास्ट तक मैं उनसे टच में रही हूँ. और आई एम श्योर वो आज भी देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और बहुत ही खुश होंगे रवि की इस कामयाबी को देख कर. मैंने आज तक एक भी एपिसोड नहीं देखा, अनफॉर्चुनेटली. नहीं, आई डोंट, मैं अभी नहीं देखती टीवी. आजकल थोड़ा डिजिटल ज़्यादा चल रहा है ना, सो हाँ ना ना वो एक अलग है. टिकटॉक्स मेरे अलग हैं, लेकिन बट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर मोर बिगर. थैंक यू, वो आप लोगों की वजह से ही होती हूँ. मतलब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो हम और बनाने की कोशिश करते हैं. जब कोई काम देगा तब. आई एम वेरी ओपन अबाउट इट. थैंक्स. थैंक यू. हाँ जी सर. जी जी. रवि मेरा बड़ा ही जिगरी दोस्त है. मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है रवि. एंड रुबाइना लाइक फैमिली टू मी, सो आई एम रियली हैप्पी. मैं जानता हूँ कितने अरसे से ही इज बिन वांटिंग टू ब्रिंग दिस प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू मैन. आई होप इट दिस वन रियली लैंड्स. हाँ जी बताइए. बताइए कितने प्रोजेक्ट करने वाले हैं सब. No, I think it's a special evening for Dheet Patange and Ravi, so we should just stick to that, and I just wish him all the best for it. How anxious are you, Ravi? Yeah? Not looking over. I know the guy is really anxious. Hanji. Ji. 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 Haji. Ji. Ha. I mean, acting enjoy kar raha hu, and definitely really looking forward to special of 17 tarikh ko aa raha hai. And in fact, Hotstar par aa raha hai, which is the same platform that we share at the moment. So, Dheet Patange is out on?
It's out already. Yeah. Deep Patange is on Hotstar right now, so please watch it. And on 17 March, watch Special Ops. Hanji. मैं सारे दर्शकों को कहना चाहूँगा बहुत बहुत मुबारकबाद होली की. मज़े करिए, एंजॉय करिए, एक दूसरे को गंदा करिए, बस कुछ ज़्यादा मत गलत कर देना. I mean, the trailer has been a fantastic, it's been fantastic, sorry, the response to the trailer has been fantastic. I'm extremely excited and I'm just looking forward now for everyone to watch this on the 17th of March. It's produced, directed by Neeraj Pandey and I think the entire team, including me and sir, we're all very, very excited. So when it comes, you'll see, tell me how it will be. इंडस्ट्री में सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट मुझे एक्चुअली मुझे करण जोहर जी ने फ़ोन किया था. सो करण हैड कॉल्ड मी ऑन द डे ऑफ द ट्रेलर लॉन्च एंड ही टोल्ड मी ही विश मी द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू गाइस. Hi. डीट पतंग के लिए सबसे बड़ी एक्साइटमेंट मेरी शिविन को लेकर है. ही इज बीन अ टेलीविजन एक्टर एंड आई रियली वॉन्ट टू सी हाउ ही लेट आउट हिज नेचुरल एक्टर इंस्टेड इन दिस फिल्म, बिकॉज कई जगह बोला जाता है दोनों साइंस अलग है, दोनों एक्टिंग अलग है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू सी के हाउ डिड ही गेट आउट ऑफ दैट शेड एंड कम अहेड. सो आई गेस नॉट जस्ट दैट, द बैकड्रॉप इज 83 हमारी फिल्म है एंड 83 इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है. So how could I miss this for sure? So I had to come here and support this cause. सूर्यवंशी का ट्रेलर निकलते ही 3 मिनट में हम सब ने देख लिया था और 4 मिनट का तो ट्रेलर है. सो मेरी एक्साइटमेंट ऑब्वियसली चरम सीमा पे है. काम उत्तेजना की चरम सीमा क्रॉस कर चुकी है टू बी ऑनेस्ट. एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है बट एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आई एम समबडी व्हेन आई एक्सपेक्ट अ लॉट, व्हेन आई एक्सपेक्ट अ लॉट. तो मैं चाहता हूँ मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना हो. सो वट एवर आई गेट इज बोनस एंड व्हेन इज अ एम्प्लॉई वेरी हैप्पी, नॉट व्हेन ही गेट्स हिज सैलरी बट वेन वी गेट द बोनस. सो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है और मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ऑब्वियसली होगी ही, नॉट बिकॉज के ये फिल्म का हम हिस्सा हैं, ऑल्सो बिकॉज इस फिल्म के पीछे बहुत मेहनत लगी है. कुछ 8 महीने की क्रिकेट ट्रेनिंग है अंडर बलविंदर सिंह संधू, अंडर कबीर खान हिमसेल्फ. कबीर खान ने खुद भी हमें ट्रेन किया है. मतलब हमारी बस हो जाती थी, भाई कहते थे 1000 पुशअप चैलेंज करना है कि नहीं, मैं कहता था नहीं आज आप करो. सो नॉट जस्ट दैट, 120 दिन का फिल्म का स्केड्यूल था तो एक पूरा साल इस फिल्म को दिया है. सो आई एम ओनली होपिंग कि 365 दिन की ये मेहनत 366th day पर आके खरी उतरे और हमारी रिलीज बैंग ऑन हो और वॉर का तो रिकॉर्ड तोड़ ही दे. नहीं नहीं, मैं अपना बचपन से साथ लेके चल रहा हूँ. मेरे को किसी के कोटे से नहीं चाहिए. सो बहुत ज़्यादा ऐसे कंपैरिजन होते थे जब मैं YouTube वीडियोस करता था सिर्फ. अब तो TV और फिल्में भी हैं और फिल्में आएंगी इस साल, आई होप आप देखेंगे. तो तब भी कहा जाता था कि बिना जिम मेंबरशिप का रणवीर सिंह है, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया. अब क्या कंपैरिजन करोगे? गरीबों का रणवीर सिंह है, मैंने पैसे कमा लिए. अब क्या कंपैरिजन करोगे? सो वो एनर्जी येस इज इन्फेक्शियस बिटवीन बोथ ऑफ अस. एंड कई बार होता था कि हम दोनों, जैसे मैं विकेट कीपर हूँ और भाई रणवीर स्लिप्स पे खड़े हैं, तो ऐसा होता था कि कबीर खान वहाँ से आवाज़ मारते थे कि अरे यार शूटिंग कर लें, टेक कर लें यार टेक.
कोई टेक नहीं कर रहा है यार, तुम दोनों अपना बंद करोगे क्या? सो हमारा दोनों का चलता रहता था और हम दोनों पैरोडीज बहुत बनाते थे गानों की. हर एक गाने की लात पैर तोड़ने में बड़ा मज़ा आता था और वो मुझे रोनाल्डो कहते थे इस गेम का, मैं उन्हें मेसी. तो भाई के साथ अलग ही बॉन्डिंग है और मेरी इन्हीं सबके साथ. ही समबडी हु बिल्ड्स द केमिस्ट्री विद एवरी एक्टर, एवरी कैरेक्टर, बल्कि विद इज बैट, इज दिस विद इज बोल, ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स. सो भाई इस टाइम पर बहुत कड़क चल रहे हैं. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. जी बहुत ज़्यादा, बिकॉज हमारे दोनों बच्चे हैं ये, इन दोनों का डेब्यू है और इनका डायरेक्शन का, इनका प्रोडक्शन का. आई एम रियली हैप्पी और मैं चाहता हूँ ये बहुत बड़ी हिट हो, ताकि इनकी जो पहला ये अटेम्प्ट है ये बहुत कामयाब हो. माय ब्लेसिंग्स टू बोथ ऑफ देम. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. They've done some amazing job, I'm sure, and we'll just go and scrutinize it now. Please do that. Sir, debut कर रहे हैं director, तो आपने trailer देखा रहेगा, कितना professional था वो. अरे बहुत बड़े लोग हैं यार, मैं अभी ऐसे नहीं बोल सकता किसने क्या किया है, वो देखना पड़ेगा अभी अंदर जाके. मुझे इस साल मुझे बहुत देखेंगे आप हर जगह, दो तीन प्लेटफॉर्म में, एक दो फिल्मों में. ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते ना, यू कांट टॉक अबाउट इट. देखिए सर ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, डेब्यू फिल्म है इनकी भी मेरी भी, और डेब्यू फिल्म में अगर इकबाल खान जैसा एक होनहार बंदा हमारा तारीफ करके जाता है ना, तो हम तो बहुत गॉड ब्लेस लोग हैं. हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता. स्पीकिंग टू मच. जस्ट प्ले सेफ हियर, दैट्स इट, हैव फन इवन अदरवाइज. डिजिटल इज द फ्यूचर यार. अभी सोचो अधिकारी ब्रदर्स भी घुस गए इसमें, फिनिश. इट्स द फ्यूचर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू. देखिए मैं बहुत ज़रूरी काम से बीच में आया हूँ और उससे समझा जा सकता है कि कितना इसको देखने का एक, इसको देखने की चाह है, उत्सुकता है. नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ढीट पतंग है. तो अब देखिए क्या कहूँ मैं, पतंगे जल जाते हैं और ज़िंदगी की दौड़ में चलते नहीं हैं, लेकिन कुछ पतंगे ढीट होते हैं जो जलते नहीं हैं. बस हमें प्यार करते रहिए और क्या, हमारे लिए सबसे ज़रूरी आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बतों ने इस मकाम तक पहुंचाया है, तो आगे भी बस ये प्यार यूं ही बना रहे. सर जाते जाते होली आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे होली के लोगों को, क्या मैसेज देंगे होली से? मैं सिर्फ एक लाइन कहूँगा, मेरी कविता की एक लाइन है जो मुझे लगता है कि आज के दौर में किसी भी त्यौहार पर बहुत ज़रूरी है कि मैं हिंदू, तू मुसलमान, वो ईसाई, ये सिख, मेरे यार कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख. शुक्रिया. मैंने अभी अभी ये दो पंक्तियाँ कही. देखिए ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, ये देश बहुत सारी संस्कृतियों का मिला जुला देश है, ये देश भाईचारे का देश है, ये देश मिलजुल के रहने वालों का देश है. हम सभी को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना है और इस देश को तरक्की की राह पे ले जाना है और देश में शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, मोहब्बत और अमन बना रहे, बस यही चाहते हैं. शुक्रिया. Thank you.
हाँ जी विजुअल सर यहाँ पे चलो मैं नॉर्मल कैजुअल बात करूंगी हाय एक्साइटेड हूँ बिकॉज शिविन इज पार्ट ऑफ इट एंड शिविन इज अ डियर डियर फ्रेंड एंड आई स्टिल रिमेंबर सपना सबका होता है एंड उसका ये सपना काफ़ी लंबे टाइम से था मैं सुनती थी उसकी ट्रैवलिंग और उसके कैरेक्टर को लेके वो जो सारी चीज़ें अपने आप को लेके प्रिपेयर कर रहा था एज एन एक्टर बहुत सारा होमवर्क कर रहा था तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड टुडे इज़ द डे सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम ऑनेस्टली आई थिंक 15 दिन भी नहीं हुए मुझे बाहर आए हुए एंड मेरे खुद की भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं अंदर आके प्लान कर रही थी पर ऐसा हम जैसे बाहर आते हैं बिकॉज इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी लॉन्ग लॉन्ग टाइम 4.5 से 5 महीना इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम तो मैं बाहर आई मुझे वायरल हो गया उसके बाद जस्ट बिकम बेटर सो नाउ आई हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन वर्क एंड डेफिनेटली यू विल सी मी समथिंग डूइंग वेरी वेरी गुड एंड आई विल शेयर इट सून अरे शिविन जाने से पहले बहुत सारी बातें करता था अपेरेंटली वी टॉक अलॉट तो पूछता था कि कैसे क्या होता है मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ खतरों के खिलाड़ी की मुझे एडवेंचर्स बहुत पसंद है जब तक मैंने नहीं किया था तो मुझे भी बहुत घबराहट सी हो रही थी तो आई वॉज द ओनली वन हू यूज़ टू से दैट अगर तूने ये शो नहीं किया ना तो तूने एक्टिंग में कुछ नहीं किया फॉर एज अ पर्सन ऑल्सो जस्ट डू इट सो आई एम नॉट बीन एबल टू फॉलो एनी एपिसोड बट अब मैं उस देखना चाहती हूँ कि उसने परफॉर्म कैसा किया सो आई विल गो एंड वॉच इट बट बिफोर दैट आई एम गोना वॉच ढीट पतंग थैंक यू I have no idea. Social media sometimes have a lot of answers. So I think usi platform pe aap answers dhoond lijiye, you might get it. Lekin in dino aapka ek bada interview hua tha, usme kaafi zyada views hue the, usme bhi zyada views aaye the. Isko leke kahin na kahin aapki zyada fan following hai aur isko leke aap kya kehte hain? I'm very happy that ki insaan na zindagi mein ya to bahut
प्यार कमाता है या तो बहुत पैसा कमाता है या तो रिश्ते भी बहुत कमाता है। मैंने प्यार भी कमाया, रिश्ते भी कमाए, पैसे भी कमाया और आप सबका अपनापन भी कमाया जब मीडिया राउंड हुआ था। तो आई फील इससे बड़ा शायद कुछ नहीं हो सकता एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी कंटेस्टेंट जिसके पास सब कुछ है आज। पर मैं कहीं गिरी नहीं, मुझे जहाँ लगा मैंने वो जवाब दिया, जहाँ मुझे लगा कि मुझे वैलिडेशन नहीं देना है मैं इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, मैं अपना चलती रही। हाँ लेकिन जहाँ मेरे रिस्पेक्ट हुई काम पे और जहाँ प्रोफेशनलिज्म पे और मेरी कुछ चीज़ों को लेके बात उठती थी तो मैं जवाब भी देती थी और अपनी क्लैरिटी भी रखती थी और जब कम्युनिकेशन की बात आती थी तो मैं वन ऑन वन भी करती थी ऐसे। दैट्स फाइन। यस जब वो रिहर्सल करने वाले थे तो उसके एक दो दिन पहले हमारी बातें हुई थी एंड अपेरेंटली नॉट ओनली दिस आगे भी वो जो कर रहे हैं प्रोजेक्ट आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर हिम क्योंकि ये घर में जब हम थे हमने ऐसी अपनी एक दूसरे से बातें की थी, डिस्कस किया था, शेयर की थी फीलिंग्स एंड दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट। तो दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। आई रियली विश हिम अ बिग 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 सक्सेस दैट ही रियली डिज़ायर फॉर हिमसेल्फ। अच्छा अभी तो मुझे किसी ने मेरे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मेरी पीआर बहुत ख़राब है बट आई फील इट इज़ समथिंग ऑलवेज पीआरशिप इज़ पब्लिक रिलेशनशिप और इसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी ये बहुत इजी जॉब नहीं है। कैमरे की उस तरफ की दुनिया भी उतनी ही डिफ़िकल्ट है जितनी कि आप यहाँ देखते हो। सो कूडोज व्हाट यू गाइस डू रात रात भर जग के ट्रैवल करके अपनी सारी चीज़ों को भूल के एंड वही मेरी पीआर भी करती है सो प्लीज़ अप्रिशिएट दैट आल्सो। बहुत आज ही होली खेल कर आई हूँ मैं आपको रंग बरंग तो दिख ही रहा होगा। सो देर विल बी वन परफॉर्मेंस विद सनम जौहर इज गोइंग टू कम वेरी सून ऑन जी टी वी, प्लीज़ फॉलो इट इफ पॉसिबल। होली की ढेर सारी बधाइयाँ, रंग बिखेरे, रंग अपनी जिंदगी में भी लाए, बी हैप्पी, चेरिश एंड हैप्पी होली, सेफ होली। आर यू सीरियस? वो देखो कौन छुपा है वहाँ। Come here. छुप क्यों रहा है मैं? अच्छा मैं सुना ही नहीं दिया। Sorry. I love you too, आमिर. मेरा फर्स्ट रियलिटी शो और मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था आमिर अली के साथ। आपने पूछा नहीं फिर भी मैं बता देती हूँ। ओ गर्ल योर माइंड। और मैं इतनी डरी हुई थी बिकॉज ये नजबली के विनर रह चुके हैं और मैं आई थिंक प्रोमो शूट कर रही थी तो उन्होंने बोला था टाइम बराबर देना क्योंकि तब ना डे नाइट शूट चलता था तो मैं बहुत डरी हुई थी। बट आफ्टर दैट तो ही बिकेम माई फैन। आई वॉज लाइक मैंने बोला स्वैग तो मेरा ही है। थैंक यू। इनफैक्ट his first project as a producer in television I've acted and he's a very nice person. I'm very 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 happy for him. Okay, agar main baat karu trailer ki jab director ki debut kar rahe to professionally tab aapko kitna laga trailer? Main bol raha hu ki wo bahut hi acche aadmi hai, bahut hi acche director hai. I've worked with him in his first project as an actor. Wo produce kar rahe the us waqt and Ravi Adhikari I'm sure has done a superb job. The kind of person he is, the kind of human being he is, I wish him all the very best. Rashmi, I love her. We share a very close bond. We've known each other for a very long time. Hum bahut saalon se dost hain and main bahut khush hu uske liye. Ji 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 main baat nahi karunga uske bare mein. I've just come for Deed Parinde and Patange and I'm very happy for Ravi. Thank you. Thank you.
देखिए सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे दोस्त मरकट अधिकारी साहब को. आई थिंक ढीट पतंगे यू नो इट्स ऑन वेब विच इज़ द फ्यूचर. वेब इज़ डेफिनेटली द फ्यूचर. एंड मैं खास करके इसलिए आया बिकॉज ऑफ मरकट जी एंड अनफॉर्चुनेटली गौतम भाई अब नहीं रहे, उनका बेटा रवि है और कैलाश हु इज़ द प्रोड्यूसर. आई वॉन्ट टू विश कैलाश एंड रवि बोथ ऑफ देम सुपर सक्सेस इन ढीट पतंगे. एंड बींग अ वेब सीरीज आई एम श्योर उन्होंने बहुत कमाल की फिल्म बनाई होगी. वेब इज़ द फ्यूचर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म. आई बिलीव इट्स द स्टोरी ऑफ फ्रेंड्स हु आर ऑन अ ट्रैवल और ये ऑब्वियसली इज़ द न्यू आइडिया सो इट बी फन टू वॉच इट. नहीं कमी नहीं. आई थिंक जैसा वक्त बदलता है नई नई चीज़ें आती हैं, पीपल वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू थिंग्स. और अच्छी बात है अगर आप पुराने पुराने गाने लेते हो और नए पोशाक में उसको प्रेजेंट करते हो तो आज की जनरेशन जिन्होंने उस गानों को सुना नहीं था वो सुनते हैं उसका लुत्फ उठाते हैं विच इज़ नॉट बैड. इट शुड बी डन एस्थेटिकली. और अगर वही कंपोज़र करे जिसने गाना अगर वो है और वो कंपोज़र से करवाया जाए तो बहुत अच्छी बात है. एंड आई विश दिस होल जनरेशन ऑफ कंपोजर्स ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वक्त आएगा उसका भी सुना देंगे. थैंक यू. ढीट पतंगे के लिए मैं आया हूँ. हाँ चलो गा देते हैं. डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली रंगों में है प्यार की बोली. रवि और रुबैना जो प्रोड्यूसर और रवि अधिकारी जो डायरेक्टर हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं और मैंने फिल्म देखी है पहले एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर बोथ ऑफ देम एंड द एंटायर अधिकारी फैमिली. बहुत प्यारी पिक्चर बनाई है, सेंसिटिव, इमोशनल एंड लॉट ऑफ फन एंड एंटरटेनमेंट इन इट. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बहुत टैलेंटेड बंच है, न्यू पीपल, बट चंदन इज लाइक माई फेवरेट. आई थिंक इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव. शिविन, प्रिया, आई थिंक दे आर ब्रिलियंट इन व्हाट दे हैव अचीव्ड इन द फिल्म एंड आई जस्ट वांट टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.